अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सस्रियाकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। जी, मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी, पाक मीडिया क्राइंग, आईसीसी मेंबर बोर्ड रिफ्यूज टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान। अच्छा जी, आईसीसी ने भी कह दिया है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी का तो शेड्यूल जारी हो गया। चलिए मिलकर देखते हैं जी क्या होने वाला है, क्या कहता है आज पाकिस्तानी मीडिया, और फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। राशिद लतीफ़ साहब, गुज़िश्ता रात तो आपने एक्स अकाउंट पर हाइब्रिड मॉडल की बात की है, हम आपसे सोर्स तो नहीं पूछेंगे, लेकिन अभी तक जो इत्तला हैं पीसीबी की जानिब से, वो तो हाइब्रिड मॉडल को मानने को तैयार ही दिखाई नहीं दे रहे। हाइब्रिड मॉडल भी मुश्किल लग रहा है अब जो हालात चल रहे हैं। कल तक तो था कि हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन पाकिस्तान का मौके अगर सख्त होता है वो नहीं खेलना चाहता, या वो इसी पे राजी हो कि पाकिस्तान में लीग हो रही है या चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जैसे आगे जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, वो तो ये पूरी ट्रॉफी लेके जाना चाहते हैं, ज्यादा रखना पड़ेगा ट्रॉफी। वो कहते हैं पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? जब आप चार साल पांच साल पहले जब ड्रॉ आता है तो आपने क्यों साइन किया? आप क्यों माने? आप इस्लाम समझते? मैं बाप हूँ इंडिया, आप समझ रहे? मैं तो नहीं समझता। एक वक्त होगा कि इंडिया हमसे, मैं नहीं खेलता था शारजाह में, आपको याद हो, हर मैच हम जीतते थे, उस वक्त पाकिस्तान टॉप पे होता था। बड़ी तैयारियां हमने की हैं और बड़े स्टेडियम्स वगैरह बनाए हैं, बड़ा हमने इन्वेस्टमेंट भी किए इन तमाम चीजों पर, लेकिन अब पाकिस्तानी शायकीन को डर इस बात का है और लग ये रहा है, घबरा इस बात से रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब धरा का धरा रह जाए और तमाम का तमाम इवेंट ही पाकिस्तान से चला जाए। इवेंट चला जाए, ये सिर्फ जो मामला है ये सिर्फ आईसीसी का, पीसीबी का और बीसीसीआई का नहीं, कि बीसीसीआई के लोग भी लाचारों नाम मुराद हैं, क्योंकि सारा कुछ जो गुजरात न्यू दिल्ली कर रहा है वो तो बीजेपी और मोदी सरकार कर रही है सब कुछ, क्योंकि सबको मालूम था कि भारत कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा। शायद हम अपने खाम ख्याली के अंदर या कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहे, अब 11th आर में हम प्रॉब्लम में फंस गए हैं। कि अगर मामला वोटिंग पर आता है तो क्या बोर्ड मेंबर पाकिस्तान के मौकफ की यू नो टाइट करेंगे या नहीं करेंगे? और खुदा ना खासा अगर वो नहीं करते हैं और बलरा बीसीसीआई का भारी रह जाता है, तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को अपनी सरकार से बात करनी पड़ेगी कि अब चूंकि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सबने मिलकर ये फैसला किया तो पाकिस्तान को फॉलो करना पड़ेगा। बट अभी यही नजर आ रहा है कि दो बड़ी कंपनीज वो भी भारत से ताल्लुक रखती है, सनसन राइज़ इंग्लैंड की टीम है, मतलब की उनकी टीम है, लेकिन सब मिलके ये एक प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, हुकूमत है पाकिस्तान पे, ये चैंपियन ट्रॉफी वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर लेके जाए। पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर पूरी दुनिया की क्रिकेट फीकी है। मैडम नहीं, फिर अगर आईसीसी हमें हाइब्रिड मॉडल ऑफर करता है और नकवी साहब कहते हैं नहीं जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में रोना धोना मचा है कि सभी बीसीसीआई की बातों पर आ जाएंगे और वोटिंग अगर हुआ तो वोटिंग में पाकिस्तान को कोई नहीं पीछेगा और शायद इस मीटिंग में पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने ना छीन जाए। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। मगर भारत के मुसलसल इनकार और पीसीबी के साथ मौकफ की वजह से आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला जुम्मे को होगा। इत्तला है कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के तहत इवेंट कराने की तजवीज दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान इस मामले पर अपना दो टोक मौकफ पेश कर चुका है, जिसके बाद वोटिंग के जरिए चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला हो सकता है। जय शाह के आईसीसी के चेयरमैनशिप संभालने से सिर्फ दो दिन पहले बोर्ड विंडी का इनेकाद भी मानी खेस है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज मैंने यही कहा अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाला मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आ चुका है और सख्त मौके अपनाना चाहिए। जो ये मौके चेंज हुआ है, श्रीलंका की टीम के ए टीम वापस चली गई, फिर कुछ चीज़ें चल रही हैं, गैर मुल्की बाशिंदे पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं या इस्लामाबाद से निकाले जा रहे हैं, ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं, पॉलिटिकली चेंज हुई है, जिसकी वजह से आप अपना साथ जो करीब ममालिक थे या हैं वो भी छोड़ते चले जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल भी मुश्किल लग रहा है अब जो हालात चल रहे हैं। कल तक तो था कि हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन पाकिस्तान का मौके अगर सख्त होता है वो नहीं खेलना चाहता, या वो इसी पे राजी हो कि पाकिस्तान में लीग हो रही है या चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जैसे आगे जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, वो तो ये पूरी ट्रॉफी लेके जाना चाहते हैं। ये आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग है, ये सिर्फ बोर्ड मीटिंग नहीं है, ये इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग है। बोर्ड मीटिंग तो होती है, वो तो आपको 3 महीने पहले से इंडिकेट करते हैं, एक हफ्ते पहले या 4 दिन पहले या 3 दिन पहले
नोटिस देने का मतलब है कि इमरजेंसी मीटिंग है जिसके अंदर काफी तब्दीलियां नजर आ सकती है आपको। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात पर ही रहना चाहिए कि भाई भारत ने भी तो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के पार्टिसिपेटिंग मुआहदे पर दस्तखत कर रखे हैं, और अगर वो ये बात करते हैं कि जी हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान में महफूज नहीं है तो उनसे पूछा जाए कि भाई अक्टूबर में आपका वफद आया था इस्लामाबाद, और दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि जी हम आपको सदारती सिक्योरिटी दे रहे हैं, सारी टीमों को सदारती सिक्योरिटी दे रहे हैं, जब आप आएंगे तभी तो पता चलेगा, और अगर इस बार नहीं तो फिर मुस्तकबिल में जो 2025 से 2031 के दौरान आईसीसी के तीन बड़े मुकाबलों की मेजबानी भारत के पास है उसका फैसला भी अभी आप कर लीजिए, आप नहीं तो फिर हम भी नहीं। जी ऐसा ही है, और ये सिर्फ इस चैंपियन ट्रॉफी की डिसीजन नहीं होगा, इसमें आगे की आईसीसी की तमाम क्रिकेट जो 2031 तक है उसका फैसला डिसाइड होगा, क्योंकि पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा तमाम टूर्नामेंट में, उसकी भी शर्त यही होगी कि जो टूर्नामेंट भारत में खेले जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो गवर्नमेंट हमने कभी प्रॉब्लम नहीं की पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, ये बहुत पॉजिटिव साइन है दुनिया के लिए कि पाकिस्तान हुकूमत ने कभी भी क्रिकेट या स्पोर्ट्स के लिए कभी मना नहीं किया कि आप भारत ना जाए या आप इससे नहीं खेले, हमें प्रॉब्लम हमेशा से बाहर से ही आ रही है। एक चीज और कर सकते थे इसके अंदर पीसीबी वाले, उसमें ये था कि ये डिले कर देते मीटिंग को, 29 को है ये, 31 दिसंबर के बाद फर्स्ट के बाद ले जाते कि जय शाह जब अपना सदारत जो प्रेसिडेंट आईसीसी के जो भी बन रहे बन जाते तो बॉल आईसीसी के कोर्ट में नहीं जाती, वो जाती जय शाह के कोर्ट में जो कि अभी रिसेंटली बीसीसीआई के सेक्रेटरी है। तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन का डिले बहुत जरूरी था पीसीबी के लिए, जहां इतना डिले हो गया वहां पे इसको डिले कर सकते थे, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी मीटिंग है आईसीसी की, इसमें सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं ये वर्ल्ड क्रिकेट का सिनेरियो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट जो फ्राइडे को मीटिंग है, कि ये हंगामी इजलास हो रहा है, वोटिंग इसमें होगी, जो आप कह रहे हैं ब्रॉडकास्टर है वो बड़ी मुश्किल में फंस गया है क्योंकि उसने सारे पैसे ही जो है वो आपको देने की बात की है पाकिस्तान इंडिया के मैच के होने के ऊपर। उनको लास्ट वीक विजिट करना था पाकिस्तान के ब्रॉडकास्टिंग के लिए कि हमें यहाँ से प्रोडक्शन करनी है सारी चीजें करनी है, उनका विजिट नहीं हुआ, तो अगर वो नहीं आए और उनका ये सोचना है कि पाकिस्तान में शायद चैंपियन ट्रॉफी हो भी ना, ये उनका मौकिफ है जहाँ से जरा से मालूम चला है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस दफा अपना स्टेप लेना चाहिए। तो ये जो सियासी हालात हैं उसकी वजह से श्रीलंका ए टीम जैसे भी सवेरा ने जिक्र किया कि मुल्तवी हुआ दौरा, क्या आपके ख्याल में वाकईतन ये जो एहतजाज हैं मुजाहरे हैं ये पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी सतह पर मसाइल इसके लिए इसके इससे बढ़ रहे हैं और हमारे लिए मुश्किल बढ़ रही हैं? ऑलरेडी हम भारत के साथ इस बात पर फाइट कर रहे थे कि ये हमारा हक है, मेजबानी हमारी है और हम करेंगे और हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, हम उस पर इतना पैसा लगा रहे हैं, ये कैसे छीना जा सकता है? हम स्टैंड ले चुके इस बात पे कि अगर होगी तो हम करेंगे, नहीं तो फिर हम इसके लिए लड़ेंगे, ये जा नहीं सकते। मगर किया गया यहाँ पर वो काम जिसके लिए हम फाइट कर रहे थे, उससे पहले एक और जंग लाके दरवाजे पे खड़ी कर दी गई। 4-5 दिन के लिए मुल्क को बंद कर देंगे, क्या इमेज बनेगा? जाहिर बात है आपके मुखालिफ का फायदा उठाएंगे, और उन्होंने फायदा उठाया, उन्होंने वो ट्रेंड्स उन्होंने मेंशन करके वो सारे काम शुरू कर दिए कि पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो गया। मतलब आज जो है वो मैसेजेस आ रहे थे जो हमारे काउंटर पार्ट या जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जो इंडिया से है, क्या हालात है, आर यू सेफ, शूट एट साइट का ऑर्डर है, फलाना है। मोहसिन नकवी साहब जिस वक्त आईसीसी की मीटिंग में बैठेंगे सामने, क्योंकि वो वीडियो कॉल पे और कनेक्टिविटी पे मीटिंग होगी, तो उस वक्त वो कैसे दावे से कहेंगे कि पाकिस्तान सेफ है, क्यों नहीं आ रहा बीसीसीआई या क्यों नहीं टीम इंडिया? आपको इंडियन जर्नलिस्ट से घबराना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात उनका को पहले आप अपना घर देखें, हमारी तरफ मत देखें, हमारा सेफ कंट्री है, तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है, तुम अकलीतों के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारे मुल्क में कौन सेफ है मुझे वो बताओ, हमारा घर सेफ है। ये छोटे मोटे इंसिडेंट हर कंट्री में होते हैं, कहाँ नहीं होते मुझे बताएं, होते हैं, मगर ये नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम से आप फैसले कर दो कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान सेफ नहीं होना चाहिए, सियासत को खेल से भारत आईसीसी के नीचे खेलेगा हमारे साथ, तो आईसीसी के रूल्स ऑफ गेम है, भारत को उसके साथ चलने की जरूरत है, भारत अकेला कुछ भी नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स निकल जाए और बाकी सारी टीम्स को अपने प्रेशर के साथ चलाए तो कितनी बार खेलेगा, किसके साथ खेलेगा और कौन देखेगा? भारत को हमारे सबके साथ खेलना पड़ेगा, सब टीमों के साथ। अब चंद दिन कुछ को दबाव में रखेंगे और कुछ ज्यादा दिन ज्यादा टीमें दबाव, हमेशा के लिए सबको दबाव में लेके नहीं चल सकते, रूल्स ऑफ गेम के साथ चलना पड़ता है, तो भारत को भी आईसीसी के रूल्स के साथ चलने की जरूरत है। अब भारत को रियलाइज कराना है कि क्या हमारा राइट है, हमको नहीं छोड़ेंगे। अब भारत कितना प्रेशर डालेगा, अब आप देखें ना कि वो पहले से हाइब्रिड पर शुरू थे मगर इस पूरी सिचुएशन के बाद वो आगे निकल गए हैं कि या तो पूरा का पूरा उठा के टूर्नामेंट ले जाएं या फिर किसी ना किसी तरीके से अगर आप पाकिस्तान बिल्कुल नहीं प्रेशर में आता और मानता फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने की कोशिश करते हैं हम इसको पोस्टपोनमेंट की तरफ ले जाएं, हम कट ऑफ कर लें, कैसे हमें पाकिस्तान को कट ऑफ आने वाला आए कोई नहीं आज तक ना आएगा। हाँ। राजा साहब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पहले ये खबरें आ रही थी, पाकिस्तान तो अपनी जगह पर अभी तक डटा है और ये कह रहा है पाकिस्तान कि हम नहीं इस अपने मौके से हटेंगे कि तमाम के तमाम मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएं, लेकिन कुछ खबरें इस तरह की सामने आना शुरू हुई हैं और ये लग रहा है कि शायद अब हाइब्रिड की तरफ जाया जाएगा। मुझे लगता है आईसीसी भी इस किस्म का डबल गेम खेलने वाला है और अगर हमने उनको फर्दर कोई क्वेश्चन या रास्ता दे दिया
तो फिर वही कुछ करेंगे जो कि इस वक्त लाहौर में या कराची में या मुल्तान में या फैसलाबाद में या देहात में लोग बातें कर रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड जो है हाइब्रिड को एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि माल बड़ा है। देखिए जब इंटेग्रिटी पेट्रियोटिज्म की बात आएगी, सेल्फ स्टीम की बात आएगी, तो मैं कहूंगा कि हम क्रिकेट नहीं खेलते। अगर आपने हमारा मोरल डाउन ही करना है ये बातें कर करके कि हम नहीं आ रहे जी पैसे लेने, तो इस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट का स्टांस है। स्टांस क्या है? उनके इकदाम क्या है? एंटी मुस्लिम है, हम सब जानते हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ है, क्रिकेट के खिलाफ नहीं है। अब वहां पर क्या हो रहा है, आप जानते हैं इलाहाबाद जैसे तारीखी शहर का नाम बदल दिया गया है, अब अहमदाबाद का नाम बदलने के बारे में बात हो रही है, दिल्ली में जो औरंगजेब रोड है उसका नाम बदल दिया गया है। अच्छा, अब ये और भी इससे आगे भी जा रहे हैं, वो जो ये भी कह रहे हैं कि ये जो ताजमहल है ये भी एक हिंदू मंदिर था या इसका पसमंदर, इसको तरीक को रीराइट करना चाहिए, उसमें कोर्ट में चले गए। स्टेडियम ही आप सरहद के दरमियान में बना दें कि आधा पाकिस्तान में आधा इंडिया में, ना इंडिया पाकिस्तान जाता है ना पाकिस्तान इंडिया आए और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, आप समझते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करना है? फिर आप इंडिया की अर्धर्मी के फिर आप उसके लिए कर रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया का रोना धोना है कि भाई हमारी बातें क्यों कोई नहीं मान रहा है, सब बीसीसीआई की सुनते हैं क्योंकि बीसीसीआई सबसे ज्यादा पैसा देता है, ये हमेशा इसी तरीके के रोना धोना मचाते हैं क्योंकि अब सिर्फ एक दिन ही बच गया है, अब पीसीबी को डिसीजन लेना है कि वो हाइब्रिड में खेलेगा या पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी ही गवा देगा, क्योंकि अगर हाइब्रिड में पाकिस्तान राजी नहीं होता है और अपना अकड़ दिखाता है तो या पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से चला जाए या बगैर पाकिस्तान के और कहां पर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए, क्योंकि आईसीसी इतना रिस्क नहीं लेगा, आईसीसी अपने आप को मतलब अब जो न्यूट्रल रख के अब बोर्ड के ऊपर सारा गेम फेंक दिया है कि भाई आप ही डिसाइड कर लो कि पाकिस्तान में कराना है या नहीं कराना है। अगर वोटिंग पे जाए मतलब ये चला जाए चैंपियंस ट्रॉफी का मैटर, तो ये आप बखूबी जानते हैं कि सारे बोर्ड जो है वो बीसीसीआई के साथ ही आएंगे, क्योंकि जो बीसीसीआई बोलेगा वही करेगा, क्योंकि जब आईपीएल होता है बीसीसीआई जो रेवेन्यू होता है बीसीसीआई हर बोर्ड को उसका 10% देता है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि बीसीसीआई कितना ज्यादा पावरफुल है। और बीसीसीआई की बातों में अगर कोई बोर्ड नहीं मानेगा तो उसका आईपीएल में क्या हाल उनके प्लेयर का होगा वो सभी जानते हैं, तो इसलिए सब बीसीसीआई को डर कर रहे थे। और बीसीसीआई जो फैसला लगा वो आईसीसी को भी मंजूर होगा, वो सारे बोर्ड्स को भी मंजूर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। जी तो व्यूअर्स वीडियो हमने देखा, वीडियो था पाकिस्तान में अब चैंपियंस ट्रॉफी होना एक दीवाने के ख्वाब से ऐसा ही लग रहा है। वजह उसकी ये है कि धीरे 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 वो सब चीज़ें हो रही हैं जो कि लग रहा था कि एट द एंड यही कुछ ही होगा। अब वो हाइब्रिड मॉडल की एक तजवीज़ जो बीसीसीआई की तरफ से दी गई थी, पाकिस्तान ने कहा कि हम इसको कबूल नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा फिर चलो नहीं करते तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है, और वो दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहाँ से पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को उठा लिया जाए। और देखिए एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं भी समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात आज के टाइम पे समय में कुछ ऐसे नहीं है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई बड़ा इवेंट हो सके, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी कोई ऐसे हालात रहे होंगे, रहेंगे, रहे तो थे लेकिन रहे होंगे उसके लिए हम, क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिसका दिल करता है मुँह उठाता है इस्लामाबाद की तरफ मार्च हो जाता है, पूरा पाकिस्तान जैम हो जाता है। जब पूरा पाकिस्तान जैम हो जाता है तो यहाँ पे क्रिकेट क्या, क्रिकेट कोई भी छोटा सा इवेंट है वो भी नहीं आप करवा सकते, कारोबार बंद हर चीज़ स्टक, पूरा पाकिस्तान जैम, पिछला पूरा का पूरा हफ्ता और अभी तक उसके आफ्टर शॉक्स नहीं निकल रहे, अब ये पता नहीं कब तक रहेगा। और दोबारा से फिर एक चढ़ाई की दावतें, फिर पिछली नाकामी अगली बार कामयाबी, और ये सिचुएशन एक जमात नहीं, कल को कोई मौलवी उठेगा और वो चढ़ दे उड़ेगा जी हमारी बातें नहीं मानी जाती, हमारे इस्लाम खतरे में पड़ गया, किसी भी चीज़ को टारगेट करके हुकूमत और बेबसी हुकूमत यहाँ पे नज़र आती है। अगर इनको रोका जाए ज़बरदस्ती तो फिर यहाँ पे एक और विक्टिम कार्ड प्ले हो जाता है, जी देखें जी यजीदियों का समा कर दिया। तो अगर यहाँ पे क्रिकेट करवानी है तो उसके लिए एनवायरनमेंट तो है ही नहीं पाकिस्तान में, तो किस बिहाफ पे जो हमारा मीडिया ये सारी चीज़ें कहता है, ये सारी चीज़ें करता है कि यहाँ क्रिकेट होनी चाहिए, हमने पैसा लगा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी ऐसा माहौल ही मौजूद नहीं है जहाँ पे क्रिकेट हो सके। यहाँ पे तो इंसान का जीना मुहाल हो चुका है, मुश्किल हो चुका है, ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन सी चीज़ लगती है। अब हमारे एक दोस्त की शादी है उसके बेटे की, और लास्ट पिछले दो दिन पहले वो जब मुझे मिला तो उसने कहा कि यार जो सूरत हाल लग रही है तो लग नहीं रहा कि हम अपनी बरात, अपने बेटे की बरात को और मेरे पहले बेटे की शादी है और बड़े मान है, चाओ है, लाड़ है, और लग नहीं रहा कि हमारी बरात लाहौर भी जा पाएगी। लेकिन शुक्र है खुदा का कि कुछ खुदा का खौफ आया उनको और वहाँ से वो भाग गए और हालात कुछ नॉर्मल हो गए, सड़कें चली, तो कल से वो थोड़ा रिलैक्स है।
लेकिन अभी भी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं है कि अभी भी इतला मिल रही है कि दोबारा से कभी ये जत्थे फिर इस्लामाबाद की तरफ चढ़ दौड़ेंगे, क्योंकि वेले लोग हैं, काम ही और कोई नहीं है, सिर्फ यही काम है कि बंद कर दो, जलाओ कर दो, घिराओ कर दो, मार दो, काट दो और फिर उस पर विक्टिम कार्ड प्ले करो, यही सारी चीज़ें हैं। तो अब वहाँ पे इतना बड़ा इवेंट हो, वहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी कराना, गैर मुल्कियों को ठहराना, गैर मुल्कियों के ठहराने के इंतज़ाम करना, उनको लाना ले जाना, और ऐसी ही सूरत हाल में तो ऐसे जत्थे कोशिश करते हैं कि बंद करें पूरा निज़ाम, बदनाम करें हुकूमत को, और जब हुकूमत की रट ही कायम नहीं है, वो किसी को ताकत के ज़ोर पर रोक ही नहीं सकती, तो फिर ये कैसे ये ख्वाब देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चैंपियंस ट्रॉफी करवाई जाए, यहाँ पे कुछ भी करवाया जाए, जहाँ हमारे यहाँ पे धमाके हो रहे हैं, यहाँ पे लोगों की जानें जा रही हैं, यहाँ पे कबायली आपस में लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल भी यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी सेफ नहीं है। और हम नहीं चाहते कि चैंपियंस ट्रॉफी जब यहाँ पे हो, और जो बाहर से आए हुए गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, खासकर इंडियंस को अगर कोई भी यहाँ पे टारगेट करता है, तो उसकी भरपाई पाकिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट कभी भी नहीं कर पाएगा। ये जमात और ये जमातों के रोले आज कल परसों तरसों कुछ सालों तक तो ये बंद होंगे, कभी ना कभी तो ये लीडर मरेंगे, और फिर हो सकता है कि पाकिस्तान में को अमन की बहाली हो सकता है, ये भी नहीं कह सकते कि ये हो गई होगा, क्योंकि भुट्टो नहीं आज तक मरा, और मुझे लगता है कि मरेगा अब इमरान खान भी नहीं, जो सिचुएशन बन चुकी है, तो ये कभी भी नहीं यहाँ पे सूरत हाल बेहतर होती हुई नज़र आती। हाँ, इनको हुकूमत दे दो, इनको सारा कुछ दे दो, फिर शायद है कि यहाँ पे कहें कि ठीक है जी, अब कोई जमात रही नहीं प्रोटेस्ट करने वाली, तो फिर कुछ हालात पाकिस्तान में को बेहतरी के नज़र आएँ, तो फिर सोच लेंगे क्रिकेट का भी। चैंपियंस ट्रॉफी आप करवाएं, आप यूएई करवाएं, आप अफ्रीका करवाएं, आप वेस्ट इंडीज़ करवाएं, श्रीलंका करवाएं, दुनिया में जहां मर्जी करवाएं, पाकिस्तानी टीम के 11 से 20 लोग जाने वो किसी भी जहाज़ में बैठकर वहां जा सकते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले जो कुछ हर टीम के साथ जो इतने इतने मेम्बरान हैं, उनको संभाल पाना यहाँ नामुमकिन नज़र आता है। क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे ये लोग आ जाते हैं, ये फिर जत्थे उठेंगे और कोशिश करेंगे कि इस माहौल को, इसका फ़ायदा उठाएं और फिर एक यलगार करें, और पाकिस्तान को और पाकिस्तानी हुकूमत को जितना चाहे डिग्रेड कर सकते हैं, और वो करें, और वो कर भी रहे हैं। और इस सूरत हाल में ये कहते हैं कि हमने खर्चा कर दिया, हमने स्टेडियम बना दिए। आपको खर्चा सिक्योरिटी पर करना चाहिए, आपको खर्चा उन चीज़ों पर करना चाहिए कि जब भी कोई ऐसा एलिमेंट उठे उसको फौरी तौर पर वहीं रोकें, उनको बढ़ने ना दें कि आएँ इस्लामाबाद रोक दें। इस्लामाबाद रुकता है तो पूरा पाकिस्तान रुक जाता है, क्योंकि लाहौर से काफ़िले जाने, फैसलाबाद से काफ़िले जाने, फलाने से, ढिमके से, हालांकि निकले यहाँ पे से कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हर जगह से मोटरवे बंद, हर जगह से रास्ते बंद, हर जगह पर कंटेनर और पूरा का पूरा कारोबार बंद, और पिछले एक हफ्ते में कोई भी किसी को रिकवरियाँ नहीं हुई। कारोबारी हजरात वैसे बैठे हैं और देख रहे हैं कि जिनके हालात चलते थे कि आए और चलाई आई चलाई चलती है, वो भी लोग परेशान बैठे हुए हैं, और क्या से क्या होना है। तो यही सूरत हाल अगर रही और ये चैंपियंस ट्रॉफी का ख्वाब देख रहे हैं, मेरा ख्याल तो ये नामुमकिन सी चीज़ है। देखें, एक बात तो ये देखें ना कि पहले जब इंडिया ने कहा था कि भाई किसी और कंट्री में, साउथ अफ्रीका में करवा लें, यूएई में करवा लें, कहीं भी हो जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे कहा है, चुप करके मानो हाइब्रिड मॉडल, वो दो तीन मैच यहाँ पे करवाओ, बाकी सारे मैच वहाँ के, तुम्हारी भी जान छूटे, हमारी भी जान छूटे, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। लेकिन अब जो है वो पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी जा रही है भाई यहाँ से, और ये अच्छी चीज है, मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा है। हालांकि हाँ, ये बहुत अच्छा जो ये फैसला किया आईसीसी ने, वो इसलिए कि यहाँ पे आगे अगर किसी भी कंट्री के किसी भी प्लेयर के ऊपर या किसी भी वो उनकी बस के ऊपर जो है कोई हमला हो जाए, जो हमला हो जाए, तो वो पाकिस्तान वो भरपाई नहीं कर पाएगा। ये तो यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है, ये अपना मुल्की नुकसान ही हो रहा है, लेकिन जो इंटरनेशनल प्लेयर आएंगे उनका अगर कोई नुकसान हो गया तो वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं भर पाएगी। तो वो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि एक सिर्फ क्रिकेट की वजह से जो है इतना जो है निज़ाम धर्म भरम हो जाए या तल्लुकात खराब हो, इससे बेहतर है कि ये आईसीसी जिस तरीके से कह रहा है कि पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी जो है वो किसी और कंट्री में जो है वो होनी चाहिए, और वो भी जहाँ पे इंडियन चाहे। और देखिए, ये कहते हैं चैंपियन ट्रॉफी होगी, वो लोग प्रोटेस्ट करने नहीं निकलेंगे, वो खास मौका होता है लोगों को प्रोटेस्ट करने का। एक टाइम मैंने देखा कि ब्राज़ील में होने वाला जो फुटबॉल का कप है, वो फुटबॉल वहाँ पे उनके ऐसे ही है जैसे बहुत बड़ा मेला, जैसे हमारे लिए यहाँ पे क्रिकेट का हो सकता है, तो वो उससे भी बड़ा मुझे लगता है। लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे लोगों ने इतने प्रोटेस्ट किए, इतने प्रोटेस्ट किए, क्योंकि वो उन्होंने जो फुटबॉल के वो इवेंट पे जो इतना खर्चा किया, अवाम उस पे तिलमिला उठी कि भाई
एक इवेंट पे इतना पैसा लगा रहे हो, यहाँ पे लोगों पे पैसा खर्च करने के लिए ये नहीं है वो नहीं है, तो लोग आपे से बाहर हो गए, बड़े एहतजाज हुए, ये हुए वो हुए, लेकिन खैर उन्होंने कुछ को मारा, कुछ को जो भी किया वहाँ पे, उन्होंने कानून उन्होंने हाथ में लेने उनको नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे तो बेबस नजर आती है, यहाँ पे तो नजर आती है कि जो रोकने वाले हैं वो खुद उनको जफियां डाल रहे होते हैं कि भाई हमें ना मारना, यहाँ से निकलो, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें मत मारना। सिक्योरिटी फोर्सेस वाले और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे डर रहे होते हैं कि भाई हम तो कर नहीं सकते कुछ, लेकिन तुम्हें सेफ चले जाओ और हमें कुछ ना नुकसान पहुंचाना, नहीं तो कभी को रेंजर को रोनता हुआ चला जाता है, कभी कोई किसी पे कुछ कर देता है, किसी को कानों से पकड़ के किसी को घसीट कर लिए जा रहे हैं। तो ये जो ताकत है, ये जो पाकिस्तान में ये अलग तरह का ये एक फैशन बन गया है और ये कानून बन गया है, हर ये पिछले एक महीने में मुझे लगता है कि कम से कम दो तो तीन मरतबा ये लोग इस्लामाबाद और ये पूरा पाकिस्तान जैम कर चुके हैं। तो उन चैंपियंस ट्रॉफी का टाइम और उसमें ये करना कोई इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल जी, और ये जो इवेंट होते हैं वो वहाँ पे होते हैं जहाँ पे कोई फिजा जो है ना साजगार होती है, जहाँ पे आवाम जो है ना उसकी दिलचस्पी भी होती है और उसी के ऊपर आवाम के ऊपर ये सारा निर्भर होता है। तो जब आवाम ही यहाँ पे जो सुरक्षित नहीं है तो फिर वो किस तरीके से चैंपियन ट्रॉफी जो खिलाड़ियों को कैसे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने जो खिलाड़ी जो क्या कहते हैं सिक्योरिटी वाले हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो फिर जो जिन्होंने सिक्योरिटी देनी है वो कैसे सुरक्षित, वो कैसे वो जिनको सिक्योरिटी देनी है वो कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि ये सुबह पहले से ही, अब तो ये हालात अभी हुए हैं, ये पहले से तय है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी, यानी तो ये सारी की सारी जो है ना वो चली जाएगी यहाँ से। लेकिन चीज़ें यही है, अब ब्रॉडकास्टर जो है ना उनका मसला बना हुआ है, वो जैसे ही तय होगा तो वैसे ही ये शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। ब्रॉडकास्टर जो है ना वो कह रहे हैं कि भाई मैंने पैसा लगाना है, उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि मेरी रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे अगर रिकवरी नहीं होती तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यही चीज़ें, तो इन चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रही है और बातचीत वहीं पे होगी जहाँ पे देखिए हर जगह पे हर काम में खेल है, खेल के अंदर भी देखिए इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, सबके रोज़गार लगे हुए हैं जो खेल खेलते हैं उनके सारी चीज़ें, और वो उनका पैसा कहाँ से आता है, ब्रॉडकास्टिंग से आता है। तो ब्रॉडकास्टर को मुतमिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है ना जो है दूसरी टीमें हैं उनके खिलाड़ियों को, उनके कोच को, उनके जो ऑफिशल्स हैं उनको मुतमिन करना भी बहुत ज़रूरी है। और इस सब को देखते हुए पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होती हुई नज़र नहीं आ रही, और जो हालात है पाकिस्तान के इस हालात में पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होनी भी नहीं चाहिए। अब देखते हैं आगे ऊंट किस करवट बैठता है। हमारे जो वज़ीर दाखला वो तो अभी तक भी वजीद हैं कि भाई हम जो है ना वो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, और वो दूसरे दिन तीसरे दिन ये बयान दे देते हैं। अब देखते हैं जी क्या होता है, क्योंकि हमें तो पता है कि हमारी इंतज़ामिया ऐसे ही बयान देती रहती है जब तक कि वो फैसला हो नहीं जाता। और फैसला कहाँ होता है कि हम बयान देते रहे लेकिन हम जाके फिर भी जो है भारत में खेले, हम बयान देते रहे हम फिर भी एशिया कप जो है ना कभी वहाँ जा रहे हैं कभी यहाँ जा रहे हैं, तो हम बयान दे रहे हैं लेकिन हम खेलेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से ICC कहेगा, और ICC उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से ब्रॉडकास्टर कहेंगे। और ये खबरें हैं अब आस्ता आस्ता जो है ना झटके लग रहे हैं कि अब जो है ना आवाम जो है ना वो भी मानने को तैयार हो रही है, क्योंकि ये अब हमारे हाथ से चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी निकल चुकी है। और ये चीज़ें हैं बिल्कुल हमारी नाहली है, हमारी आवाम की जो एक जहालत है जिसकी वजह से आज हमारे मुल्क के ये हालात हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ है नहीं, और अगर कोई उसके ऊपर मनवाना जाता है तो फिर हम मानते नहीं हैं। तो यही चीज़ें, कभी कोई नहीं मानता, कभी कोई नहीं मानता। वो कहते हैं ना कि एक वक्त था एक बंदा था वो कब्रिस्तान में जाके लोगों को कहता था, वो नहीं मान रहे थे, जब आप ऐसे मिसालें बनी हुई हैं। आज कभी एक पार्टी खड़ी हो जाती है वो कानून की तजिया उड़ाती है, और दूसरी पार्टी खड़ी होती है वो कानून की तजिया उड़ाती है, और उनके हाथ सर पे जो आशीर्वाद होता है वो कभी उस तरफ चला जाता है और कभी उस तरफ चला जाता है। और जब तक ये हाथ नहीं रुकेगा पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी क्या, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर कुछ चीज़ें भी यहाँ पे आने वाली नहीं है, और हालात इससे भी बदतर होंगे। और चीज़ें यही हैं कि हमारे यहाँ यहाँ पे ये चीज़ें चलती रहती हैं, और कलून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, और इसी में कुछ खबरी थी कि भाई चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी हम करने जा रहे हैं, और हालात कुछ अच्छे लग भी रहे थे, लेकिन अब देखते हुए हालात को कि जिस तरह से धमाके हो रहे हैं, जिस तरह से हमें गाड़ियों से उतार उतार के मारा जा रहा है, जिस तरह से कबाइलियों को आपस में लड़वाया जा रहा है, और आगे चल के पता नहीं और क्या कुछ होना है, और जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उसके ऊपर भी जो है ना वो गोलियां चलाई जा रही हैं, तो पाकिस्तान में जो है सिक्योरिटी का जो वाले इदारे हैं उनकी हिफाजत करना जो है ना मोमा बना हुआ है, तो फिर वो खिलाड़ियों की हिफाजत कैसे कर पाएंगे। तो ऐसे में हमें तो नहीं लगता कि यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी होनी चाहिए,
हाँ अगर ये चैंपियन ट्रॉफी करवा भी लेते हैं तो फिर आवाम देखने कैसे जाएगी, क्योंकि उनको तो पता है कि कहीं भी कैसे भी हालात ख़राब हो सकते हैं, तो ऐसे में किसका दिल करेगा कि भाई हम जाएं वहाँ पे, और अगर वहाँ पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाएं तो फिर हालात ख़राब हो जाएं तो वो कौन जाता है ऐसे। तो बिल्कुल ऐसे वक्त में ICC और PCB को चाहिए कि भाई हम जो है ना सारे का सारा जो है ना वो UAE ले जाते हैं, तो वहाँ पर हम ये कर लेते हैं, उससे आपका रेवेन्यू भी आ जाएगा, आपकी मेज़बानी भी बच जाएगी। लेकिन अगर हालात ऐसे रहे तो फिर आपकी मेज़बानी भी जाती रहे। बिल्कुल जी, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तानी खुद ही बहुत हैं अपने देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, और वो मुसलसल पहुंचा भी रहे। चैंपियंस ट्रॉफी तो क्या, यहाँ पे कोई भी इवेंट कोई भी बिजनेस कोई भी कारोबार यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और यही हमारी सोच है, यही हमारा काम है कि हम अपने पाकिस्तान को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते। होप सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए।